जनपद संभल की चंदौसी में दुबई से एक युवक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निगरानी में रखा। जनपद संभल की चंदौसी में दुबई से आए युवक मोमिन हसन, जो कि 18 मार्च को आया था, जिसके आने की सूचना किसी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमिता सिंह को फोन के माध्यम से दे दी, जिसके बाद युवक अपने चेकअप के लिए खुद ही संयुक्त चिकित्सालय में पहुंच गया, जिसका चेकअप करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखने की सलाह दी। हसन जी, आप कहां से आए हो इस समय? बाहर कहीं है? दुबई रहते थे आप, तो यहां किस लिए आए हो चेकअप के लिए? क्या कहकर आपको चेकअप कराया गया है? ये मतलब बाहर से आया। अच्छा, इस जैसे मान लीजिए आप बाहर से आए, कहीं कोरोना से पीड़ित तो नहीं है, इसलिए चेकअप कराया है आपको? अब क्या कहा डॉक्टर साहब ने आपको? अब बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अंदर घूमकर के पूछेंगे। अच्छा, कितने दिन तक सुरक्षित रहने के लिए कहा है? बाहर देश से आए थे हमारे, क्या कहेंगे इस विषय में? ऐसा है, ये जो मोहम्मद मोबिन है, ये दुबई से आए हुए हैं, ये 18 तारीख के लिए हमारे यहाँ चंदौसी में मतलब प्रवेश कर गए थे। तो ये हमने जैसे पता चला, किसी ने फोन किया होगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस, लेकिन वो खुद ही हमारे यहाँ आ गए, तो हमने उनमें कोई साइन एंड सिम्टम के बारे में पूछा, तो हमने उन्हें आइसोलेट रहने के लिए जो भी प्रिकॉशन है उनको बता दिया गया है, और हम उनका डेली चेकअप करेंगे, जिससे कि मतलब कोई भी कोरोना वायरस की चप्पे मतलब है कोई इन्फेक्टेड ना हो, और कोई भी ऐसा साइन एंड सिम्टम उनमें भी ना आए।